अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं आलू के कंडस विद चिकन के साथ बना रहे हैं। ये मेरे घर में बच्चों वगैरह को बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा ये रेसिपी क्यों ना मैं आपसे शेयर करूं। ये देखिए, मैंने ये पहले से ही बॉईल कर लिए हैं आलू। ये चार बड़े बड़े आलू हैं, इनको बॉईल करके इनको मैंने मैश कर लिए हैं। ये देखिए, हमने दो हरी प्याज ले ली थी, ये आधी बंद गोभी ली है या छोटी जो है छोटी आप कैबेज ले लें, और ये शिमला मिर्च है, ये शिमला मिर्च भी हमने छोटी छोटी काटी हुई। एक छोटी शिमला मिर्च ले ली थी, अगर बड़ी हो तो उसको हाफ कर लें। ये आलू के हिसाब से ही मतलब जो है, और ये तीन हरी मिर्चें ले ली थी मैंने, ये देखिए। और ये थोड़ा सा पुदीना है, ये हम सब इसमें मिलाएंगे, इसमें डालेंगे। जो है सब्जी वगैरह ये देखिए डाल दी है, और ये दो चिकन की जो है बोनलेस चिकन ली थी, बड़े पीस मैंने। ये आप चिकन जो है आप ज्यादा डालना चाहें ज्यादा डाल लें, कम डालना चाहें डाल लें, नहीं डालना चाहें नहीं डाल लें, तो वैसे इससे जायका जरा अच्छा हो जाता है। और ये जो है ये मसाले हैं, मसाले मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए, ये जो है 2 टेबल स्पून जो है सोया सॉस है, और 3 टेबल स्पून सिरका, सिरका जो है 1 टेबल स्पून ज्यादा है, ये भी हम डाल रहे हैं। और ये जो है 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, काली मिर्च, 1 टेबल स्पून जो है ये कुटी हुई मिर्च है, आपको अगर मिर्चें ज्यादा खानी है तो आप ज्यादा डाल सकते हैं इसके अंदर। और ये जो है 1 टीस्पून भर के चिकन पाउडर, चाइनीज सॉल्ट या चिकन पाउडर जो आप डालना चाहें, और ये 1 टेबल स्पून नमक। अच्छा, नमक ये है कि हम जब डालेंगे हम मिक्स कर लेंगे, और अगर हमें कम लगा तो हम नमक थोड़ा सा और डाल लेंगे। बैटर देखें अच्छी तरह मिक्स हो गया है खूब अच्छी तरह। अब जो है हम इसको शेप दे रहे हैं, ये थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं हाथ में हम, और इसे अच्छे बन जाते हैं। और जो है आप कोई सा भी शेप देना चाहें दे दें इसको। ये देखें, ये हमने अंडे में डिप किया, और ये हमने ब्रेड क्रम्स किए, ब्रेड क्रम्स लगा लिए इसमें अच्छी तरह। ये देखिए, कर लिए, देखिए कितने खूबसूरत से और गोल्डन फ्राई हो गए। अब ये है कि इसी तरह हम और भी कर रहे हैं, अभी आप ट्राई करके देखिएगा आपको कैसे लगे और मुझे बताइएगा।